इंटरव्यू दिया है। भारत विश्व पटल पर कैसे नई ताकत बनकर उभरा है, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बातें कही हैं। पीएम मोदी का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज सुबह 7:30 बजे आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं। www.moneycontrol.com पर सुबह 7:30 बजे आप पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, जहां पर पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर युवा ताकत तक की बात कही है, तरक्की से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो उनका व्यू है, जो उनकी सोच है, उसे उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है। तो G20 से पहले पीएम मोदी का ये पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है। सुबह 7:30 बजे आधे घंटे बाद आप इसे www.moneycontrol.com पर जाकर पढ़ सकते हैं पूरा इंटरव्यू। पीएम मोदी ने पूरे इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, ये तमाम बातें आप सुबह 7:30 बजे पढ़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com पर दिए गए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20, भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक परिस्थितियों और राजनीतिक स्थिरता सहित कई मुद्दों पर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। moneycontrol.com पर दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी देश और दुनिया के कई अहम मसलों पर बात करते नजर आए। भारत की इकोनॉमी से लेकर G20 में भारत की अध्यक्षता तक, देश में राजनीतिक स्थिरता से लेकर वैश्विक हालातों तक पीएम मोदी तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते दिखे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है। मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छी बात है। भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। भारत की वृद्धि ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। मुद्रा स्फीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी भारत में मुद्रा स्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रा स्फीति दर से 2% कम रही। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के मौके पर LPG की कीमतों में कटौती की गई। पीएम ने फ्री बायस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि समाज को भी नष्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि लोगों ने हमें एक बार नहीं बल्कि दो बार जनादेश दिया। पहला जनादेश वादों को लेकर था, दूसरा इससे भी बड़ा जनादेश हमारे प्रदर्शन और देश के भविष्य को लेकर हमारी योजनाओं के लिए मिला। पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के कारण हर दूसरे क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक सुधार देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे का भीलवाड़ा दौरा होने वाला है। भीलवाड़ा
मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। किसान सम्मेलन को भी मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। डेयरी के नवीन संयंत्र का भी शिलान्यास किया जाना है। तो भीलवाड़ा में जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना होंगे। गुलाबपुरा में विशाल किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना है। तो लगातार दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला भीलवाड़ा का दौरा है, जिसे लेकर इससे पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे थे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। डोटासरा भी भीलवाड़ा पहुंचे, उन्होंने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और आज वो दिन है जब मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा पहुंचेंगे। किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी। मिशन 2023 को लेकर इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी सौगातें भी यहां से लोगों को दी जा सकती हैं। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, बेहद खास ये दौरा, और कहा जा रहा है कुछ बड़ी सौगातें भी लोगों को मिलने वाली हैं इस दौरे में। जी बिल्कुल, बहुत ही खास दौरा है। 400 से ज्यादा शिलान्यास और लोकार्पण किए जाएंगे। कामधेनु योजना का भी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पहली बार यहाँ राजस्थान में है, राजस्थान में मेवाड़ के द्वार कहे जाने वाले भीलवाड़ा में पहुंचेंगे। सारे प्रमुख नेता वहां होंगे, पूरी कैबिनेट वहां होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां होंगे, अगुवाई करेंगे। और जिस प्रकार से विशाल किसान सम्मेलन का आह्वान किया गया है, भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना है। लगातार जो नेता यहाँ पे हैं, जो लीडरशिप है, वो तैयारी कर रही थी इस कार्यक्रम की। आज वो कार्यक्रम है, एक तरीके से चुनावी आगाज भी हम इसे कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां की गई है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। कल गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो है वो मौके पे पहुंच चुके थे। गुलाबपुरा प्रभारी रंधावा भी साथ थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे मामले में, कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पहला दौरा है, तो कोई कमी ना रह जाए कांग्रेस पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा। इसलिए पूरी अलर्ट मोड पर कांग्रेस पार्टी है। हाल फिलहाल पूरी तैयारी है, पंडाल पूरा सज चुका है, बस कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष आने की का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 12-12.30 बजे तक पहुंचेंगे। उसके बाद विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, छुट्टी वितरण का कार्यक्रम भी हो सकता है। मेघाई रात कैंप के 2 कैनोपी भी लगाए गए हैं, तो जो लाभार्थी हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। कई कार्यक्रम आज हैं, कई सौगातें आज राजस्थान और भीलवाड़ा को मिल सकती है। जी अब बिल्कुल कई बड़ी सौगातें मिल सकती है। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दिया जाएगा। और जिस तरीके से विशाल किसान सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, संबोधन भी किया जाएगा, इससे एक बात साफ है, किसानों के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो किसान है, जो देश के अन्नदाता है, उनके उनको टटोला जा रहा है, उनकी नफ्स को टटोला जा रहा है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में किसान कांग्रेस की तरफ आके एकजुट होकर खड़े हों और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मत डालें। जी अब बिल्कुल, इससे पता चलता है कि कांग्रेस को ये पता है कि किसानों का वोट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, कब तक मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचेंगे, सीएम कब तक पहुंचेंगे और तैयारियां क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी लगभग 12-12.30 बजे तक मल्लिकार्जुन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ ही मौजूद रहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरुआत होगा। कई कार्यक्रम है, कई लोकार्पण है, 400 से अधिक शिलान्यास है। उसके बाद स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जो किसान है, जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनसे संबोधन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। 2023 के जो चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं, तो उसके जोश भरा जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 तारीख को भी यहाँ पे दौरे पे थे, 1-to-1 संवाद किया था कार्यकर्ताओं से, वो भी आज है, जो कि उसमें उस प्रकार से आज जोश भरा जाएगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सभा के बाद किशनगढ़ पहुंचेंगे और वापस रवानगी लेंगे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको छोड़ के वापस भीलवाड़ा, जो शाम को उन कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, भीलवाड़ा में शाम को कथा श्रवण करेंगे। यानी कि किसानों के वोट को तो साधने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ स्कूटी वितरण कार्यक्रम से अन्य जो वर्ग है उनके वोट को भी साधने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों की। और उकर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। हिस्ट्री शीटर अजय झामरी हत्याकांड मामले में देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को देखकर बदमाशों ने सबसे पहले फायरिंग की, उसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई।
फायरिंग के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनामी बदमाश तेजवीर सहित उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार के सीने में भी गोली लगी है। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई। उद्योग नगर थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो एक और मुठभेड़ की सूचना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर अजय झामरे हत्याकांड को लेकर ये कार्रवाई की गई, जहां पर देर रात बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची और उस दौरान दोनों ही ओर से फायरिंग की गई। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी सफलता, तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए प्रियंका, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। लगातार जो अजय झामरी हत्याकांड था, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन देर रात को उद्योग नगर थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये जो सफलता है वो अटलवन थाना अधिकारी मनीष शर्मा और डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, उस दौरान मिली है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, तो जो अटलवन थाना अधिकारी है मनीष शर्मा और डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार के सीने में दो दो गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण वो बच गए। और इस दौरान 9 राउंड आरोपियों की तरफ से फायर किए गए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक राउंड पुलिस की तरफ से फायर किए गए। उसके बाद में इन बदमाशों को कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचा और ये देर रात को उद्योग नगर थाना इलाके में पूरा ये ऑपरेशन जो है वो चला है। अब बदमाशों को आरबीएम अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है। लगातार जब इनके हालात में सुधार होगा तो इनसे पूछताछ की जाएगी। घुटने से नीचे तीनों के पैर में गोली लगी, कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले में लगातार जो पुलिस अधीक्षक है मृदुल कचावा, उन्होंने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये जो है मुठभेड़ के दौरान इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जो टीम है जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसको बधाई भी दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो टीम के जो सदस्य है, चाहे वो थानाधिकारी हो चाहे डीएसटी इंचार्ज हो, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ काम किया है और तब जाकर के इन आरोपियों को दबोचा है। इनमें एक 25,000 रुपए का आरोपी तेजवीर भी शामिल है, जिसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्यों इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गोली लगने से जो हिस्ट्री शीटर था अजय झामरी, उसकी मौत हो गई थी। इन सारे सवालों के जो जवाब है वो इनसे पूछताछ के दौरान लिए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो थाना अधिकारी मनीष शर्मा द्वारा की जा रही है। बिल्कुल दीपक, सराहनीय काम पुलिस की ओर से, और क्योंकि डीएसटी इंचार्ज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, इसकी वजह से ये बड़ी राहत रही कि उनकी जान भी बच गई। अब क्योंकि पैरों में गोली लगी है, आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी दीपक, कब तक पूछताछ शुरू की जाएगी? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये पूछताछ, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या रही। देखिए देर रात को ये पूरी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान जब तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, तो गंभीर हालात में उनको रात में ही आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब लगातार जैसे जैसे उनकी हालत में सुधार होगा, उसी तरह से उनको पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाएगा, जहां पर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल की बात की जाए तो जो सर्जिकल वार्ड है उसके बाहर पुलिस तैनात की गई है और अंदर पुलिस की निगरानी में जो उनका उपचार है वो चल रहा है। घुटनों से नीचे उनके पैर में गोली लगी का उपचार लगातार चल रहा है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हालात में सुधार होने के बाद जो सारी पूछताछ है इस केस से संबंधित वो की जाएगी कि आखिर उन्होंने हिस्ट्री शीटर पर क्यों गोली चलाई थी, क्यों उसकी हत्या की थी और क्या मकसद था इनका। इन सभी सवालों को लेकर के पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन और सुनिए प्रियंका, इस पूरे मामले में एक और अपडेट देना चाहूंगा कि ये जो तेजवीर है आरोपी, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, इसकी एक बहन है, कांस्टेबल है पुलिस में, उसको भी पुलिस अधीक्षक ने 2 दिन पहले ही लाइन हाजिर करके निलंबित कर लाइन हाजिर किया था और उसके बाद अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर उनको निलंबित किया था। वो जो तेज बदमाश है तेजवीर, उनकी बहन बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है कि पहले उसकी बहन को लाइन हाजिर किया गया, उसके बाद सस्पेंड किया गया और फिर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ये एक बड़ी सफलता है, इसको कहा जा सकता है। बड़ी बात, बड़ा अपडेट बता रहे हैं दीपक कि तेजवीर की बहन को सस्पेंड किया गया है। क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं?
देखिए अभी अभी तक सामने ये आया था कि जो आरोपी है तेजवीर, उसकी जो बहन है कांस्टेबल, वो लगातार इनके जो अपराधों के जो संबंध में जो है कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई थी, और उसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने जो निलंबन के आदेश है वो जारी किए थे। उसके बाद ये दबिश देकर के आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि क्या है। दीपक, अब इंतजार है कि कब आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और तमाम सवालों के जवाब सामने आ सकेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 इनामी बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। राजेंद्र, रामलखन, उदय भान, तीनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बसई डांग थाना इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई है। तो एक और मुठभेड़ की सूचना निकलकर सामने आ रही है। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पहले बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई, जहां पर पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं, कई मामलों में वांछित थे, फरार चल रहे थे, और ऐसे में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बदमाशों के नाम भी आपको बताते चले, राजेंद्र, रामलखन और उदय भान, ये वो तीनों बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पहले इनका इलाज किया जाएगा और उसके बाद इन तीनों से पूछताछ की जाएगी। बसई डांग थाना इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल से तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा आप देख पा रहे होंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है क्योंकि तीनों के तीनों इनामी बदमाश हैं। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, एक और बड़ी सफलता पुलिस को, ये मुठभेड़ कब शुरू हुई और सफलता कैसे मिली, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, पुलिस को सूचना मिली थी देर रात को कि बदमाश हैं, वो जंगल में छिपे हुए हैं। तो उसी दौरान पुलिस की टीम बाड़ी एडीएफ, डीएसपी, बसईडांग थाना पुलिस और सोनेगा गुर्जा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंगल में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और उधर बचावी उधर बदमाशों ने भी फायरिंग की है। तो उसी दौरान पुलिस की गोली बदमाश के एक पैर में लगी है। उस दौरान ये 3 जो बदमाश थे, एक के पैर में गोली लगी है, गंभीर घायल हुआ है। उसके बाद में 2 जो और बदमाश हैं वो भी घायल हुए हैं, रामलखन, उदयभान, राजेंद्र। ये तीनों ही बदमाश हैं जो इनामी बताए जा रहे हैं, और घायल होने के बाद में पुलिस ने उन्हें पहले जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया, उसके बाद में बंदी वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जो पूरी जो मुठभेड़ हुई है वो बसईडांग थाना इलाके के जो चंदीलपुरा के जंगल है वहां पर ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बदमाश जंगल में छुपे हुए हैं, तो देर रात को ये मुठभेड़ जो सर्चिंग अभियान है वो चलाया गया, और जब बदमाश पता चली कि यहाँ बदमाश हैं तो उन्होंने भी बदमाशों ने भी उधर से पुलिस पर फायरिंग की है, और बचावी फायरिंग में पुलिस ने भी बदमाशों पर। ठीक है हरिवीर, क्योंकि तीनों ही इनामी बदमाश हैं, ऐसे में एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है, और निश्चित तौर पर पूछताछ के बाद और खुलासे और भी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से सामने आ रही है, जहां पर टंकी पर प्रॉपर्टी डीलर्स का धरना खत्म हो चुका है। देर रात ये प्रॉपर्टी डीलर्स का धरना खत्म हो सका। डीलर्स का धरना लगातार जारी था कई दिनों से, और प्रशासन की ओर से समझाइश भी की जा रही थी। और इस बीच ये बड़ा अपडेट बता दें कि प्रशासन की समझाइश के बाद तीनों जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो अब टंकी से नीचे उतर चुके हैं। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ये तीनों टंकी से नीचे उतरे। शनिवार शाम से ही लगातार टंकी पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। टंकी से उतरने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो कई दिनों से ये प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी पर चढ़े हुए थे, जिसके चलते प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कोई अनहोनी ना हो जाए इसे लेकर। हालांकि तैयारियां की गई थी, लेकिन एक डर भी था। समझाइश का दौर चल रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स मान नहीं रहे थे, और अब अपडेट सामने आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर्स मान चुके हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब जाकर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले पर
कार्रवाई कर ली जाती है। तो तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं, जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी इकट्ठा हो गए थे। 3 प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी पर चढ़े हुए थे, न्याय की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। अब जब प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का भरोसा मिला तो तीनों जो प्रॉपर्टी डीलर्स टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे वो अब नीचे उतर चुके हैं। तो आखिरकार ये प्रदर्शन समाप्त हुआ और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कई दिनों से मान मनोबल किया जा रहा था, कैसे उतरे, कैसे समझाइश की गई? बिल्कुल प्रियंका, देखिए शनिवार की शाम को ये प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और हालांकि बीच में प्रशासन के द्वारा कई बार समझाइश वार्ता की गई लेकिन सिरे नहीं चढ़ी। आखिरकार कल जब प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी खराब हुई, एक ये भी बड़ा ही कारण रहा, और दूसरा प्रशासन ने उनकी मांगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर कहीं टंकी पर चढ़े तीनों आंदोलनकारी आश्वस्त हुए और वो टंकी से नीचे उतरे। ना केवल टंकी पर चढ़ने वाले लोग नीचे उतरने से आश्वस्त हैं बल्कि अब आसपास के क्षेत्र में भी काफी पैनिक क्रिएट हो रहा था पिछले 4 दिनों से, वो भी समाप्त होने से प्रशासन ने और आम लोगों ने भी चैन की सांस ली है। जी, प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया अशोक, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए क्या कुछ कवायदे की जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, चूंकि 4 दिन पहले ही ये टंकी पर चढ़ चुके थे तो ऐसे में प्रशासन उनकी मांगों पर शुरुआत से ही कार्रवाई करने में जुटी हुई थी, जैसा कि वो कुछ स्वामित्व का दस्तावेजों को लेकर वो जिन्होंने डिमांड की थी वो उनको नकल उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही साथ जो पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया है तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि यदि उस संबंध में यदि किसी भी तरह की विधिक कार्रवाई प्रस्तावित है या फिर भूत पास्ट में यदि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उसके अनुसार उन्हें पट्टा जारी कर दिया जाएगा। इस तरह के आश्वासन के बाद में ही प्रॉपर्टी डीलर टंकी से नीचे उतरे। पूरा का पूरा ये प्रकरण प्रियंका एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर था, जहां प्रॉपर्टी डीलर उस पर अपना स्वामित्व जता रहे थे तो वही नगर पालिका प्रशासन ने उस भूखंड पर अपना स्वामित्व जताते हुए प्रॉपर्टी डीलर को बेदखल किया था। जी, और अगर अब ये उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं सुनी जाती है तो क्या आगे उनकी कुछ रणनीति है कि आगे फिर इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं? कोई अल्टीमेटम है क्या उनकी ओर से? देखिए, अभी इस तरह की कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन प्रशासन ने चूंकि उनको आश्वस्त किया है कि विधि सम्मत जो भी संभव कार्रवाई हो पाएगी उनके पक्ष में वो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर्स को भी इस बारे में निर्देशित किया गया है कि वो अपने भूखंड से संबंधित जो पुराने दस्तावेज हैं जो बहुत पहले यदि सालों पहले यदि प्रशासन ने या नगर पालिका प्रशासन ने उनको जारी किए हैं तो उनको पेश करें ताकि स्वामित्व को लेकर चीजें स्पष्ट हो और उनके अनुसार कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल अशोक, अब मामला आगे किस तरीके से बढ़ता है, किसे न्याय मिलता है, ये देखना अहम है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्लॉट के स्वामित्व को लेकर उपजा था जिससे इसमें नगर पालिका द्वारा विधिक कार्रवाई करने पर जो पक्षकार प्रतिपक्षकार टंकी पे चढ़ने के 3-4 दिन से विलम्ब होने के कारण हमने आज इसमें वार्ता के कई दौरों के बाद में आज सफलतापूर्वक इन्हें जो सम्मानजनक समझौते पे आते हुए इन्हें उतारा है और एक बड़ी उपलब्धि आप जो साधु शहर के निवासियों की कि इस प्रकार से ये सकुशल नीचे आ पाए। पहले जो जारी किए हैं उन्हीं बेस पे हमारे को दिए गए, तो पहले जो जारी हैं अगर ये दस्तावेज विधिक दस्तावेज पेश करते हैं नियमानुसार उनका पट्टे का प्रस्ताव है वो सक्षम स्तर पर। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 450 के पार पहुंच चुका है जिनमें से 220 से अधिक कोचिंग छात्र हैं। तो अस्पताल में बेड्स फुल हैं, स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो कैसे इस बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाएं, क्या कार्रवाई उनकी ओर से की जाए। हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि 450 डेंगू मरीज अब तक पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। अब सवाल ये है कि इस पर लगाम कैसे लगाया जाए क्योंकि इनमें 50% लगभग कोचिंग छात्र भी हैं। ऐसे में स्थिति बेहद गंभीर है। और अनूपगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत आई एक और विदेशी महिला, बांग्लादेशी महिला बताया जा रहा है कि भारत पहुंची है। रावला के गांव 13 DOL के
गांव में ये बांग्लादेशी महिला पहुंची हुई है। टूरिस्ट वीजा लेकर बांग्लादेश की महिला भारत आई है। सोशल मीडिया पर स्थानीय युवक से संपर्क होने की बात उसकी ओर से कही जा रही है और उसका कहना है कि स्थानीय युवक से ही मुलाकात करने वो बांग्लादेश से भारत पहुंची हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है। पुलिस अब इसे लेकर बांग्लादेशी महिला से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बांग्लादेशी महिला का नाम अबीना बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश से भारत अपने दोस्त से मिलने पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी और उसी से मिलने के लिए महिला बांग्लादेश से भारत पहुंची है। हालांकि असल मकसद क्या है भारत आने के पीछे, ये फिलहाल जांच का विषय है और इसे लेकर पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है।